में से दो राउंड जीतने के बाद भी अगर कोई हार गया तो कुछ और लगता है, राइट? बट ऐसा ही कुछ हमारी फेवरेट बॉक्सर मैरी कॉम के साथ ओलंपिक्स में। जजेस का ये डिसीजन इतना कॉन्ट्रोवर्शियल था, इतना कंफ्यूजिंग था कि मैरी कॉम खुद कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने तक उन्हें ये लग रहा था कि वो जीत चुकी है, पर जब उनके कोच ने उन्हें कहा कि मैरी डोंट वरी फॉर मी यू आर अ विनर, तब उन्हें समझा कि ओलंपिक्स में ये उनका लास्ट मैच था। लेकिन ये इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों हुआ? वॉज इट फेयर और नॉट? प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है मैरी के साथ जो हुआ वो सही है या नहीं। हियर्स द फुल स्टोरी। बट Who's Mary Kom and why should we take her seriously? Well, Mary Kom दुनिया की इकलौती फीमेल है जो वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 बार जीत चुकी है। पहले 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हर चैंपियनशिप में एटलीस्ट 1 मेडल लाने वाली इकलौती फीमेल बॉक्सर है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उसे वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर का टाइटल दिया है। That's magnificent, Mary for you. पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जीतने वाली हमारी चैंपियन मैरी कॉम। मैरी कॉम ने 2012 के समर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाया था और इस साल भी 1.3 बिलियन इंडियंस उनसे एक मेडल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। मैरी कॉम इज 38 इयर्स ओल्ड और उन्होंने 2019 में अनाउंस किया था कि टोक्यो ओलंपिक्स उनके लास्ट ओलंपिक गेम्स होंगे। भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना और फिर रिटायर होना उनका सपना था जो अधूरा रह गया। प्री क्वार्टर फाइनल्स में उनका सामना कोलंबिया की इनग्रिड वैलेंसिया से हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और इतने से बैड लक की वजह से हमारी चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ओलंपिक से बाहर हो गई है। लेकिन कंफ्यूजन क्यों? बॉक्सिंग मैच के बाद आपने रेफरीज को ऐसे विनर का हाथ रेज करते हुए देखा होगा, दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनका हाथ रेज नहीं किया गया, उनका नाम और जर्सी कलर अनाउंस हुआ एंड बिकॉज इंग्लिश इज नॉट हर फर्स्ट लैंग्वेज मैरी कंफ्यूज हुई। टोटल 5 जजेस थे और 3 राउंड्स। मैरी मैच के बाद बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने 3 में से 2 राउंड्स डोमिनेट किए थे। प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट राउंड में जहां 5 में से 4 जजेस ने वैलेंसिया के फेवर में डिसीजन दिया। ये है फाइनल स्कोर कार्ड जहां आप सारे जजेस ने दिए हुए स्कोर्स देख सकते हैं। इन स्कोर्स के टोटल करके विनर डिसाइड होता है एंड एज यू कैन सी डिफरेंस काफी छोटा है। द मैच वॉज वेरी क्लोज। दिस मैच वॉज सो क्लोज दैट मैरी हरसेल्फ गॉट कंफ्यूज। अगर इन 2 जजेस में से 1 जज ने भी किसी एक राउंड में मैरी को 1 पॉइंट ज्यादा दिया होता तो मैरी जीत जाती। शी थॉट दैट शी वॉज द विनर। मैरी कहती है पहले राउंड में जजेस ने 4-1 वर्डिक्ट क्यों दिया ये मेरी समझ के बाहर है, जबकि पहले राउंड में कुछ फाइट हुई नहीं, कोई क्लियर पंच नहीं था, फिर भी पहली राउंड मेरी ओपोनेंट को दिया गया और बाकी 2 में मैं जीत गई, तो वो मैच कैसे जीत सकती है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट द जजमेंट वॉज बायस्ड। आपको क्या लगता है? आप मैच खुद देखिए और हमें बताइए। द थिंग इज मैरी कॉम इज नॉट अ न्यूबी जो जोश में होश खो देते हैं और कुछ भी कहते हैं, हारने के बाद जस्टिफाई करने के लिए रैंडम स्टेटमेंट्स करते हैं। तो अब क्या होगा? ओलंपिक्स में एथलीट्स जजेस के डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर सकते, तो उनका डिसीजन फाइनल, लेकिन हमारी मैरी कॉम इस जजमेंट के अगेंस्ट आवाज जरूर उठाएगी। मैरी कॉम इज 38 इयर्स ओल्ड और वो पिछले 2 डेकेड से बॉक्सिंग कर रही है। आंखों में आंसू और मुंह में उनकी ट्रेडमार्क मुस्कान लेकर उन्होंने भारत को प्रॉमिस किया है कि वो 40 साल के होने तक भारत के लिए फाइट करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं, मेडल लाने के चांसेस और भी हैं। चलिए चैंपियन मैरी का हौसला बढ़ाते हैं और उनके इस फाइटर स्पिरिट के लिए उन्हें थैंक यू कहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी चैंपियन को भी पता चले कि जजेस कुछ भी कहें लेकिन हमारी जजमेंट फिक्स्ड है कि हमारी नजरों में मैरी चैंपियन। Hey esteem, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।